एससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर मैनुअल फर्टिलाइजर एंड सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट वन लाइनर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है तो 8.8% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम नाइट्रेट में CA की मात्रा यानी कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है तो 19.5% होती है। नेक्स्ट कैल्शियम साइनाइड में कैल्शियम की मात्रा होती है तो 39.01% होती है। नेक्स्ट जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट नीला थोथा कैल्शियम सल्फेट में CA जिप्सम में यानी जिप्सम का सूत्र CaS4 × 2H2 होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है 22.5 से हुआ सल्फर 18.5% होती है। नेक्स्ट डोलोमाइट में हुआ कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा होती है तो डोलोमाइट में कैल्शियम की मात्रा 21.5% एंड मैग्नीशियम की मात्रा 4 से 10.6% होती है। नेक्स्ट पाइराइट में सल्फर की मात्रा होती है तो 22.24 होती है। नेक्स्ट मृदा में बोरान की कमी दूर करने के लिए सबसे लाभप्रद माइक्रो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है तो वह बोरेक्स यानी सुहागा है यानी A2BO7 × 10H2 इसका रासायनिक नाम है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदा में कापर की कमी होने किस MNF का प्रयोग करते हैं कापर सल्फेट यानी नीला थोथा का प्रयोग करते हैं कापर सल्फेट 25%। नेक्स्ट FE की कमी को पूर्ण करने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं तो फेरस सल्फेट का 19% उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ME मैग्नीशियम सल्फेट यानी MeNSO4 × 3H2O में MN की परसेंटेज कितनी होती है तो वह 26 से 28% होती है। नेक्स्ट पोषक तत्वों को मृदा से पादप जड़ तक संचालन होता है तो वह विसरण द्वारा एवं जिंक द्वारा वह जनसंपर्क विनयन द्वारा। नेक्स्ट सिंचाई या वर्षा जल के साथ पोषक आयनन का संचालन कहलाता है संग्रहित प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट सिंचाई या वर्षा जल के साथ पोषक तत्वों का संचलन कहलाता है तो अभिसरण कहलाता है विसरण। नेक्स्ट यूरियस एंजाइम का मुख्य अवयव है तो वह NI है। नेक्स्ट किस पोषक तत्व को कृषि की कुंजी कहते हैं तो फास्फोरस को पोषक तत्व की कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट मृदा में फास्फोरस की मात्रा लगभग होती है तो 0.02 से 0.5% होती है। नेक्स्ट मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 0.02 से 0.10% मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किस पोषक तत्व की उपज स्थायी तत्व कहते हैं तो पोटेशियम कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा पोषक तत्व बिना टेक्सटी दशाए पौधों में संचय हो जाता है तो वह पोटेशियम है। कौन सा पोषक तत्व जो बिना टेक्सटी दशाए पौधों में संचय हो जाता है तो वह पोटेशियम है। नेक्स्ट धान में नाइट्रोजन का लास अमोनियम उर्वरक किस क्षेत्र में प्रयोग करके जमा किया जाता है तो अपचायित क्षेत्र में करके जमा किया जाता है। नेक्स्ट पादप कोशाभित्ति को कौन सा तत्व शक्ति प्रदान करता है तो वह कैल्शियम। नेक्स्ट गोभी चुकंदर और तंबाकू में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है तो टिप हैकिंग होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम व
वह MgO प्राप्त करने का फैक्टर है तो 1.6 है। नेक्स्ट आयरन का मुख्य खनिज है तो वह हार्नलैंड व बायोटाइट व क्लोरोटाइट। नेक्स्ट आयरन एवं जिंक की न्यूनता किस तत्व की कमी होती है तो वह फास्फोरस की होती है। हार्नब्लेड किस तत्व का खनिज है तो फेरस व जिंक का। नेक्स्ट मोलिब्डेनम उर्वरक हैं तो वह अकार्बनिक। इसमें Me2 60% तथा यमो सल्फाइड तथा इसी तरह उर्वरक पाए जाते हैं। नेक्स्ट फलदार वृक्षों पर फली छिड़काव के लिए उपयुक्त जिंक उर्वरक है तो वह जिंक नाइट्रेट है।